हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ एट रैंडम। आज मैं बना रही हूँ ये बहुत ही यम्मी वेज हक्का नूडल्स, बिल्कुल नॉन स्टिकी। देख रहे हैं आप, एक भी नूडल आप इसमें चिपकेगा नहीं और बिल्कुल फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। बच्चों के लिए कुछ जल्दी से आपको स्पेशल बनाने का मन हो तो ये रेसिपी है बेस्ट। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बड़े भी। तो चलिए मेरे साथ साथ बनाना शुरू कीजिए। मैंने इसे बनाने के लिए ये एक वेज नूडल्स का पैकेट लिया है, ये 180 ग्राम्स है। कभी कभी पैकेट को देखकर हमें लगता है उसमें नूडल्स ये कम है, लेकिन मैं आपको बता दूँ इतने नूडल्स 4 लोगों के लिए सफिशियंट क्वांटिटी होती है। ये देखिए, तो चलिए इन्हें सबसे पहले हम बॉईल करेंगे। तो इसे बॉईल करने का मेथड जो है वो सबसे आसान है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नूडल्स को ठीक से बॉईल करेंगे तो आपके नूडल्स कभी भी आपस में स्टिक नहीं करेंगे। पहली बात तो क्वांटिटी पानी की हमेशा ज़्यादा रखनी चाहिए, कम पानी में कभी नूडल्स को बॉईल नहीं करना चाहिए। और जब पानी में बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा सॉल्ट और डाल देंगे थोड़ा सा ये कोई भी वेजिटेबल ऑयल, करीब 1 छोटा चम्मच। और बस जब पानी बिल्कुल अच्छा गर्म हो जाए तब हम इसमें नूडल्स को ऐड करेंगे। पहले नूडल्स को बिल्कुल ना डालें ठंडे पानी में। और ये देखिए पानी की क्वांटिटी मैंने बहुत अच्छी क्वांटिटी में बड़ी कढ़ाई में रखा हुआ है पानी, और अब इसमें बॉईल होने देंगे। पैकेट के ऊपर लिखा होता है कितनी देर तक आपको नूडल्स को बॉईल करना है या पास्ता, सभी के ऊपर मेंशन होता है। लेकिन मान लीजिए कभी किसी पैकेट के ऊपर ना मेंशन हो तब भी आप 5 से 6 मिनट से ज़्यादा नूडल्स को बॉईल ना करें। अगर आप इसे ओवर बॉईल कर देंगे तब भी नूडल्स आपस में स्टिक कर जाएंगे और नूडल्स आपके बिल्कुल खिले खिले नहीं बनेंगे। ये देखिए, तो मेरे अब 6 मिनट हो चुके हैं। बस मैं इसे बंद कर दूँगी गैस को, और मैंने रख लिया है एक बोल साइड में, उसके ऊपर रख ली एक बड़ी सी छन्नी जिसमें मैं इसे छान दूँगी। फटाफट से आपको ये इसमें से पानी निकाल देना है वरना इसकी कुकिंग जो है वो होती रहेगी। और ये देखिए पूरा पानी इसमें से निकाल दीजिए, छन्नी में डाल दीजिए। और मैंने फ्रिज से निकाल करके एक बॉटल बाहर रख दी है, अब इसके ऊपर हम डालेंगे ठंडा पानी। देख रहे हैं आप कितना धुआं निकल रहा है, तो जब तक ये धुआं निकलता रहेगा इसका मतलब इसकी कुकिंग होती रहेगी। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ठंडा पानी कि इसकी कुकिंग स्टॉप हो जाए और नूडल्स हमारे फर्दर और ज़्यादा गल ना जाएँ कहीं। ये देखिए नीचे काफ़ी पानी है, मैं इस पानी को फेंक दूंगी और थोड़ा सा ठंडा पानी और डालूंगी। तो ये देखिए पूरा पानी नीचे का फेंक दीजिए, और इसी बोल में दोबारा से रख के फिर से ठंडा पानी डाल रही हूँ कि नूडल्स अच्छे से ठंडे हो जाएं बिल्कुल। और उसके बाद एक फोक लेकर के ऐसे नूडल्स को चला दीजिए कि ये देखिए ऐसे थोड़ा सा नूडल्स को खोल देंगे, क्योंकि आपस में जब ये पैकेट होता है तो आपस में बिल्कुल इनकी बाइंडिंग काफ़ी अच्छे से रहती है। तो इस तरह से अगर आप खोल देंगे इनको ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। अब देखते हैं मैं कौन कौन सी वेजिटेबल्स डालने जा रही हूँ। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तो बहुत सिंपल वेजिटेबल्स ली है, ले ली है एक प्याज, इसे भी लंबाई में मैंने कट कर लिया है। जो भी इसमें वेजिटेबल डाली सभी को आप लंबाई में कट कर लीजिए। ये तो मैंने गाजर ले ली है एक, इसे मैंने पतले और लंबे पीसेज में कट कर लिया है। पत्ता गोभी है मेरे पास, थोड़ी सी मैंने लंबाई में कट कर लिया है। 1 बड़ा चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और 1 मैंने शिमला मिर्च को भी अच्छे से धो करके लंबाई में कट करके ले लिया है। और बना लेंगे एक मिक्सचर। तो मिक्सचर बनाने के लिए एक बोल में डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच वाइट विनेगर, उसी चम्मच से नाप के मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, और इसी स्पून से मैं डालूँगी 1 चम्मच रेड चिली सॉस। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक साथ मिक्स करके रख लेती हूँ तो वह बहुत आसान हो जाता है ऐड करना। बस ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमें स्पाइसेस की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाले बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और सिंपल भी। तो वही कढ़ाई मैंने ले ली है, बड़ी सी कढ़ाई। और इस बात का ध्यान रखें जिसमें भी नूडल्स आप कुक करें बनाएं वो बर्तन आपका नॉनस्टिक हो या फिर लोहे की कढ़ाई में बनाइए। अगर आप एल्युमिनियम की कढ़ाई में बनाएंगे तभी भी नूडल्स चिपक जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप या तो नॉनस्टिक में बनाएं या फिर लोहे की कढ़ाई में। और जैसे ही ऑयल गर्म हो गया है मैंने डाल दिया है इसमें प्याज, मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है और मैंने इसमें प्याज डाल दी है। फटाफट से फ्लेम का ध्यान रखिए, मीडियम से हाई फ्लेम पे ही कुक होती है ये सारी चीज़ें। तो इस फ्लेम का ध्यान रखिए, कभी मीडियम कभी हाई, कभी मीडियम कभी हाई, अपने अकॉर्डिंग बैलेंस करते रहिए। डाल दिया है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्का हल्का सा सॉटे करते जाइए। डाल दीजिए मैंने पत्ता गोभी, गाजर, हल्का सा टॉस कर लेंगे इन सभी चीज़ों को। बस बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, हल्की सी एक सॉफ्टनेस आ जाए बस। लेकिन सब वेजिटेबल्स का क्रंच देखिए रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये सॉगी सी ना हो जाए। बस ये हल्की सी जैसी सॉफ्ट हो चुकी है मैंने डाल रही हूँ इसमें सॉल्ट, थोड़ा सा डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर,
तो आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर में डाल रही हूँ। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल नॉन स्टिकी है, कहीं से कुछ चिपका नहीं है, क्योंकि मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है। आप इसे लोहे की कढ़ाई, मैंने बहुत बार बनाया है, लोहे की कढ़ाई में बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। और ये नूडल्स बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, इन्हें ऐसे हाथों की फिंगर्स की मदद से ऐसे ऐसे खोल लीजिए। बिल्कुल ये देखिए एक भी नूडल चिपका नहीं है, ये देखिए। या अगर इनको परफेक्टली बॉईल करेंगे तो ये नूडल्स बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल आपस में चिपकेंगे नहीं, क्योंकि ओवर बॉईल करने से ही उनके जो स्टार्च होता है वो रिलीज़ हो जाता है और नूडल्स आपस में चिपक जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। और ये सभी के सभी नूडल्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। बस हम सारी चीज़ों को अच्छे से टॉस कर लेंगे और डालेंगे अपना मिक्सचर और हमारे नूडल्स रेडी हो जाएंगे। आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने में आपको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है कि एक हाथ से नूडल्स को और वेजिटेबल्स को आपस में मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं आपको बताऊंगी वो ट्रिक जिससे आपके नूडल्स बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएंगे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और अब मैं डालूंगी इसमें सॉसेस, जो हमने सॉस का मिक्सचर बना कर रखा था, तो आप उसे भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, और हल्का समय से ऐसे मिक्स कर रही हूँ। अब ले लीजिए साथ में दूसरे हाथ में एक फोक और दोनों हाथों से इस तरह से नूडल्स को उठा उठा करके मिक्स करते जाइए। ये देखिए बस बिल्कुल ऐसे ही मिक्स करते जाइए और सभी नूडल्स आपस में वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। मैंने हल्का सा नूडल्स को टेस्ट करके देखा है, मुझे हल्का सा सॉल्ट कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट और ऐड कर रही हूँ। आप भी टेस्ट करके ज़रूर देख लीजिएगा सॉल्ट डालने से पहले। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नूडल्स पसंद हैं तो आप और ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। बड़े पीसेज में हरी मिर्च सेंटर से स्लिट करके डाल दीजिए और जब बच्चों को सर्व करना हो तो उसमें से निकाल दीजिएगा। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और इसमें आप मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मशरूम्स हों तो ज़रूर से डालिए, मशरूम का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए सर्व करते हैं। हमारे टेस्टी नूडल्स बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल नॉन स्टिकी हैं। एक भी नूडल ना कढ़ाई से चिपका है और ना ही आपस में चिपके हैं, देखिए। और इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी यूज़फुल लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए। साथ में बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और मेरे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।